हेलो पीपल, मेरा नाम है दिवांशु और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। बिग बॉस 14 के कप्तान एजाज खान के व्यवहार ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। जहां बिग बॉस 14 के प्रतियोगी उनके व्यवहार से परेशान हैं, वहीं बिग बॉस के दर्शक और टीवी स्टार्स उनकी कड़ी निंदा कर रहे हैं। इस सिलसिले में अब कविता कौशिक के पति का नाम भी जुड़ गया है, जिन्होंने एक दर्शक का ट्वीट शेयर करके एजाज खान की पोल सबके सामने खोली है। कविता कौशिक ने बिग बॉस 14 के घर से बाहर आने के बाद एजाज खान को जमकर धोया है और उन पर निजी फायदे के लिए सबको परेशान करने का आरोप लगाया था। बीते एपिसोड में हम सबने देखा कि पवित्र पूनिया कैसे रोने लगती थी जब एजाज खान ने जैस्मीन भसीन को नॉमिनेशन से बचाने का फैसला किया। इस दौरान निकी तंबोली उन्हें सपोर्ट करती नजर आई और उन्होंने कहा कि कविता ने एजाज के बारे में जो कहा वो सही था। अब कविता कौशिक के पति ने एजाज खान की बदतमीजी पर रिएक्शन देते हुए एक फैन का ट्वीट शेयर किया है। इस फैन ने अपने स्टोर पर हुए एक हादसे को साझा किया है, जिसमें उसने बताया है कि एजाज खान ने कैसे उनके स्टोर बॉय के साथ बदसलूकी की थी। फैन ने ट्वीट में लिखा है, मैंने एजाज खान की बदतमीजी फर्स्ट हैंड देखी है। वो बीते साल मेरे मॉल में आए थे और उन्होंने मेरे स्टाफ के साथ बहुत गलत व्यवहार किया था। उन्होंने सामान जमीन पर फेंक दिया था और स्टाफ को गाली भी दी थी। मैं उनका ऐसा व्यवहार देखकर दंग रह गया था। कविता कौशिक के पति के साथ साथ अदाकारा गौहर खान ने भी इस फैन के ट्वीट को शेयर किया है और लिखा है, एजाज खान एक बुली हैं, वो बहुत बदतमीज हैं, मैं तो दंग रह गई हूँ। अब देखना ये होगा कि घर के अंदर एजाज कैसे हैं और बाहर कैसे साबित होते हैं। ऐसी ही रोमांचक अपडेट्स के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।